लोगों ने ना बोल बोल के दिमाग खराब कर दिया है मेरा, डीमोटिवेट कर दिया है मुझे अंदर से। हिम्मत टूट चुकी है मेरी, सच बता रही हूँ मैं। और आपके साथ में ऐसा ना हो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुन लेना आप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। राम राम जी सभी को, गुड आफ्टरनून। अभी आफ्टरनून के 2:15 बज चुके हैं और अभी मैंने खाना पीना खाया पिया है और बस अभी मैं फ्री हुई हूँ। तो मैं 2-3 दिन से सोच रही थी कि ऐसा वीडियो बनाऊँ, और हाँ आज कोई व्लॉग नहीं है, आज एक स्पेशल वीडियो बना रही हूँ मैं। स्पेशल वाला मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करना चाह रही हूँ, तो आप एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को, ठीक है? और जो नए नए यूट्यूबर हैं या फिर अपना नए नए मतलब यूट्यूब पे आना चाहते हैं, चैनल बनाना चाहते हैं, अभी अभी स्टार्ट किया है, उनके लिए तो और भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज़ ज़रूर एंड तक बने रहना, ठीक है? करना इस पे, ठीक है? और अपना एक्सपीरियंस आप भी मेरे साथ में शेयर करना। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में आज शेयर कर रही हूँ। आज मेरी 36,000 की यूट्यूब फैमिली कंप्लीट होने वाली है, हो जाएगी 2-4 दिन में, अगर आपका साथ और सपोर्ट ऐसे ही रहा तो। रहा, मैं आपका सपोर्ट आगे भी ऐसे ही पाना चाहती हूँ। अभी तक आप लोगों ने मेरा जैसे सपोर्ट किया है वैसे ही प्लीज़ आगे तक भी मुझे सपोर्ट करना। मुझे आपके सपोर्ट की सच में बहुत ज़रूरत है, ताकि मैं उन लोगों का मुंह बंद कर सकूं जो मेरे बारे में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी मतलब उन्होंने सोच बना ली है एक कि ये वीडियो बनाती है, तो उन लोगों का मुंह बंद हो जाए ताकि ताकि मैं कुछ कर पाऊँ। तो मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो ताकि मैं कुछ कर पाऊँ, तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए इस चीज़ के लिए। तो चलिए मुद्दे की बात क्या है वो बताती हूँ आपको। तो बात ये है कि आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया, ठीक है, कर लिया, अभी किया है, जैसे कल किया है, आज किया है, या कल कर रहे हो, कुछ भी हो, तो आपको ना अपना लिंक शेयर नहीं करना है किसी के साथ में। किसी के साथ में बोले तो किसी के साथ में भी नहीं, किसी के साथ में भी नहीं। आप सिर्फ उस बंदे को बताइए जिसकी आपको परमिशन चाहिए, जिसकी परमिशन के बिना आप वीडियो नहीं बना सकते, ब्लॉग नहीं बना सकते, यहाँ तक कि आप चैनल ही नहीं बना सकते, है ना? तो उस बंदे की तो आपको परमिशन ज़रूर चाहिएगी। चाहे जैसे हम शादीशुदा हैं, कोई आ गया था बाहर तो मैं चली गई थी, तो कहाँ पे बात छोड़ के गई थी मुझे ध्यान नहीं है, तो चलिए फिर से शुरू कर देती हूँ बात को। तो मैं ये बता रही थी कि अपना चैनल का लिंक बिल्कुल भी आप किसी के साथ में शेयर मत करना, चाहे आपको कितना भी खासम खास इंसान है वो, बस उसी को ही बताना अपने चैनल का नाम या लिंक, सिर्फ उसी को बताना जिसकी आपको परमिशन चाहिए, जिसकी परमिशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे हम हैं, हम शादीशुदा हैं, तो हमें हमारे हस्बैंड की परमिशन चाहिए, सबसे बड़ी परमिशन वही है, हम शादीशुदा हैं तो उनकी परमिशन के बिना तो हम इधर से उधर नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हम मार्केट भी जा रहे हैं तो उनकी परमिशन के बिना नहीं जा सकते और ना ही जाना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी, ना ही आपको करना चाहिए और ना ही ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए उनकी परमिशन के बिना, तो अपने हस्बैंड की परमिशन। मैं अपनी उन सब बहनों को बोल रही हूँ जो शादीशुदा हैं, जो मेरे जैसी हैं, जो शादीशुदा हैं, ठीक है? तो आप अपने पति की परमिशन तो ज़रूर लीजिएगा अगर आप यूट्यूब पे आ रहे हैं तो, और अगर आप कमा रहे हैं अपने माँ बाप की, अपनी भाई, अपने भाई की, बहन की, जो आपसे बड़े हैं, उनकी ज़रूर लीजिए। मैं उनके लिए मना नहीं कर रही हूँ, उनको ज़रूर बताइए, क्योंकि उनको अगर बाद में कहीं से पता चलेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे हमारे रिश्ते में दरार आ सकती है ऐसे, तो इसलिए बता रही हूँ। लेकिन हाँ, इसके अलावा किसी को भी मत बताना, किसी को भी नहीं, चाहे वो आपका फ्रेंड फ्रेंड ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका कैसा भी रिश्तेदार हो, कैसा भी, ठीक है, किसी को भी मत बताना कि आपका यूट्यूब चैनल है, आप वीडियो बनाते हो, कैसी वीडियो बनाते हो, कैसे क्या करते हो, आप अर्निंग कर रहे हो तो भी मत बताना, मैं तो यही बताऊंगी, क्योंकि जो मैं फेस कर रही हूँ ना इस टाइम पे, वही मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि मेरा दिमाग खराब कर दिया है लोगों ने बोल बोल के, बोल बोल के मैं थक गई हूँ सच में। कभी कभी मन करता है कि मैं बंद कर दूँ वीडियो बनाना, फिर मैं सोचती हूँ नहीं यार मुझे करना है, ये मेरा काम है, मैंने बहुत मेहनत की है इस चैनल को यहाँ तक लाने में, बहुत मेहनत की है, मैं 2 साल से लग रही हूँ, और अब मैं बंद कर दूँ इसको तो फिर क्या फ़ायदा, है ना, क्या फ़ायदा? अब सबको तो पता चल गया, और मैंने गलती क्या करी पता है, मैंने यही गलती की है, मैंने अपना लिंक ना शेयर कर दिया सभी के साथ में, अपना स्टेटस पे लगा दिया, व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा दिया, फेसबुक पे लगा दिया अपना लिंक, जो मुझसे जुड़े हैं, जो मेरे फैमिली रिलेटिव हैं, सभी को पता चल गया, सभी के साथ में मैंने खुद शेयर किया है, किसके लिए, ताकि
दो चार सब्सक्राइबर बढ़ जाए उसके लिए, तो आपको ऐसा नहीं करना है। सब्सक्राइबर आपके जरूर बढ़ेंगे, खुद ही बढ़ेंगे, खुद ही बढ़ेंगे वो, आप बस काम करते जाओ, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, चैनल भी मोनोटाइज होगा, आप पैसे भी कमाओगे, डॉलर भी बनेंगे, सब काम होगा। लेकिन घर वालों को किसी को भी मत बताना, किसी को भी नहीं बताना, मैं बार बार यही बात बताऊं बोल रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने गलती कर दी है, ये बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं इसको सुधार भी नहीं सकती इस गलती को, क्योंकि यार कुछ भी बोलते हैं लोग, कुछ भी बोल देते हैं, फिर वीडियो बनाती है, ये करती है तो पूरे दिन फ़ोन में लगी रहती है, बावड़ी हो रही है फ़ोन में, ऐसी वीडियो बनाती है, वैसी वीडियो बनाती है, और वो वीडियो चाहे कैसी भी हो, वीडियो कैसी है, मेरा ब्लॉग का चैनल है, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मतलब मेरा डेली का रूटीन, जो वीडियो होते हैं ना रूटीन के, वही मैं शेयर करती हूँ आपके साथ में, उसमें शॉर्ट वीडियो में कोई एक आध कॉमेडी कर ली, या कोई मतलब थोड़ी सी लिपसिंग कर ली किसी भी वीडियो पे, है ना, तो इतना ही तो करती हूँ, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करती ना। लेकिन फिर भी लोगों को तो बहाना चाहिए बोलने का, किसी की तरफ उंगली उठाने का, ऐसे करने का बहाना चाहिए, ये तो वीडियो बनाती है, ये तो ये काम करती है, तो वीडियो बनाना गलत काम नहीं है, गलत काम नहीं है ये, और गलत काम है ना तो आप ज़रूर बताना मुझे कॉमेंट बॉक्स में, अगर मैं गलत कर रही हूँ तो। वैसे बता तो आप रहे ही हो, आपकी नज़र में तो ये गलत है लेकिन मेरी नज़र में नहीं है, समझ गए। तो मैंने अपना चैनल ना, मैंने अपना चैनल अपने हस्बैंड की राय से ही बनाया है, उन्होंने मुझे बोला है ना, जब भी मैंने बनाया उनकी परमिशन के बिना मैं कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती मैं, और ना ही मैं आगे करूँगी जब तक मेरा बस चला, तो मैं कुछ करना भी नहीं चाहती उनकी परमिशन के बिना, मैं हर काम में उनसे ज़रूर पूछती हूँ कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, ये जाऊँ या ना जाऊँ, ये काम करूँ या ना करूँ, आप पूछ सकते हो मेरे पति से भी, जो जानते हैं मुझे, जो जानते हैं पर्सनली, जो लोग जानते हैं ना वो पूछ सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं करती ऐसा काम जो उनको पसंद ना हो, समझ गए। तो मैं, ये बहुत बड़ा काम है सोशल मीडिया पे आना, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आना, कोई छोटा मोटा काम नहीं है, और मैं उनकी परमिशन के बिना नहीं आई हूँ, उनको पता है, और वो मेरा मतलब हर एक वीडियो देखते भी हैं, उनको पता है मैं क्या कर रही हूँ, अगर कुछ गलत कर रही होंगी ना तो वही मना कर देंगे, क्योंकि मैं उनके घर की इज्जत हूँ, उनकी वाइफ हूँ मैं, उनकी लाइफ पार्टनर हूँ, अगर मैं कुछ गलत काम करूँगी तो वो मुझे वहीं पे मना करेंगे, बोलेंगे तू मत कर ये काम, मत कर, अगर गलत लगेगा तो, गलत होगा तो, होगा तो, समझ गए, लेकिन गलत नहीं होगा तो क्यों बोलेंगे, क्यों बोलेंगे फिर। और आप, आपको तो पता ही नहीं है, आपको तो क्या बोलें, आपको तो पता ही नहीं है व्लॉग होता क्या है, क्या चीज़ होता है, आप दुनिया भर की वीडियो देखते हो पूरा दिन, अपना मतलब डाटा खाते हो पूरा दिन, डाटा खराब करते हो, टाइम खराब करते हो, दुनिया की वीडियो देखते हो, अच्छी भी देखते हो उसमें, बुरी भी देखते हो, खराब चीज़ है वो ज़्यादा देखते हो, अच्छी है वो कम देखते हो, पता है आपको इस चीज़ का कि आप ऐसा ही करते हो, और मुझे पता है कि ऐसा ही करते हैं सभी लोग, ठीक है। मोबाइल आजकल सभी के पास है, ये वाला स्मार्टफोन सबके पास है आजकल, क्योंकि आजकल का ज़माना ही ऐसा है, स्मार्टफोन के बिना काम ही नहीं चलता। 2 मिनट शॉपिंग करने भी जाते हैं ना, वीडियो कॉल करते हैं, अरे ये चूड़िया ले लूँ, ये वाली साड़ी देखो कैसी है, ये ले लूँ, कोई अपने पति से पूछ रहा है, कोई अपनी बहन से पूछ रहा है, कोई अपनी माँ से पूछ रहा है, कोई मतलब किसी से भी पूछ रहा है, कोई भी किसी से भी पूछ रहा है, तो इस फोन के बिना तो कुछ चलता ही नहीं है आजकल, है ना। तो फिर हम वीडियो बनाते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल शेयर करते हैं, तो क्या गलत करते हैं लोग, मतलब हाथों के पीछे पड़ गए यार, वीडियो बनाती हैं हमारी, तो बस मैं क्या बताऊँ, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ यहाँ पे सोशल मीडिया पे, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बोल भी दूंगी बाद में, अगर आप लोग नहीं रुके ना यहीं पे तो मैं बोल भी दूंगी बाद में, ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है ना। और ये मेरी ऑडियंस है ना, जो 36,000 लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, 36,000 की मेरी, 35,000 की तो कंप्लीट हो चुकी है मेरी यूट्यूब फैमिली, 36,000 होने वाले हैं, तो ये 36,000 की फैमिली है ना जो मेरी यूट्यूब फैमिली, वो मुझे सपोर्ट करेगी, मुझे पता है, मुझे विश्वास है, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे मुझे पता है, और मैं आपको अपनी फैमिली ही मानती हूँ, लेकिन जो मेरी रियल फैमिली है ना वो मुझे सपोर्ट नहीं करती है, मुझे नहीं करती है वो फैमिली सपोर्ट, मुझे डीमोटिवेट कर रहे हैं वो लोग, बोल बोल के टॉर्चर कर रहे हैं, मतलब एक तरह से ताना मार मार के, मार मार के वीडियो बनाती है, वीडियो बनाती है, मतलब वीडियो ही तो बनाती हूँ मैं, बस मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या गलत है इसमें, गलत क्या चीज़ है, गलत कुछ नहीं है, आपका नज़रिया गलत है और कुछ भी गलत नहीं है, आपका देखने का तरीका गलत है, आपकी सोच है ना, सोच छोटी सी है, इतनी छोटी सी सोच है वो, घटिया सी, और वो घटिया सी सोच जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगी ना कुछ नहीं हो सकता, मेरे बोलने से भी क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके बोलने से भी मैं भी नहीं रुकने वाली, समझ गए ना, जिसने मुझे परमिशन दी है ना, जब तक वो नहीं बोलेंगे ना मुझे कुछ भी, मैं ना तो अपना चैनल बंद करूंगी, ना तो वीडियो बनाना छोड़ूंगी,
ये मेरा काम है, मैंने इसे अपना काम बनाया है। सभी काम करते हैं, अपना कुछ ना कुछ काम करते हैं, चाहे छोटा चाहे बड़ा। तो ये मेरा काम है भाई, यूट्यूब पे वीडियो बनाना और अपलोड करना, ये मैंने मेरा काम बनाया है। 2 साल से लग रही हूँ मैं, बहुत मेहनत की है मैंने इस चैनल को यहाँ तक लाने में, और आगे भी करती रहूंगी। लेकिन आप लोगों के ताने सुन सुन के तो शायद मैं ना भी कर सकूँ, क्योंकि हिम्मत इंसान ही तो है यार, हिम्मत हार जाते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, कब तक सुनेगा बंदा। पता है मैंने सब चीज़ से बात करना भी बंद कर दिया आजकल, क्योंकि टॉपिक रहता ही नहीं है लोगों के पास, यही टॉपिक रहता है। वीडियो बनाती है, वीडियो बना मतलब बहुत टोंट मारते हैं और बहुत खराब लगता है, ऐसे रूडली तरीके से बोलते हैं। जब सच बोल रही हूँ, अंदर से ऐसा फील होता है ना कि बता नहीं सकती मैं। तो मैं यही शेयर करना चाह रही थी आपसे, कई दिन से सोच रही थी वीडियो बनाना ये वाली, लेकिन बस बना नहीं पाई। तो यही बता रही थी कि आप गलती से भी किसी के साथ में ना अपना लिंक शेयर मत करना। आप शुरुआत में क्या होता है, 1-2 सब्सक्राइबर के लिए हम सोचते हैं चलो 1 सब्सक्राइबर इस यहाँ से आएगा, 1 वहाँ से आएगा, खुश हो जाते हैं, ऐसे शेयर कर देते हैं ना, तो ऐसे सोचते हैं चलो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, अच्छा लगेगा, है ना, ऐसे सोचते हैं। तो वो अच्छा नहीं लगता, वो बहुत दिमाग ख़राब होता है वो बाद में। उस टाइम पे तो अच्छा लगता है, उस टाइम पे तो चलो पता नहीं है उनको कुछ भी, चैनल है, व्लॉग कैसे होते हैं, वीडियो कैसी होती है, कुछ भी, बस उन्होंने तो मतलब अपना एक एक मतलब सोच बना ली है, तो उनको तो वो टोंट मारना है लास्ट में जाके, और आपको डिमोटिवेट करना होता है बाद में, आप डिमोटिवेट होते हो उस चीज़ से। इसलिए मैं बोल रही हूँ कोई भी अपना चैनल का लिंक, चैनल के बारे में बताना ही मत यार, बताना ही मत, लिंक को भी छोड़ो आप, बताना ऐसे ही मत बताना कि मेरा चैनल है, कुछ करके दिखाओ, अर्निंग करो, खूब पैसे कमाओ, किसी कोई बड़ी सी चीज़ खरीदो, जैसे गाड़ी खरीदी, या फिर कोई फ्लैट खरीद लिया, कोई ज़मीन खरीद ली, कुछ ऐसा बड़ा सा काम करोगे ना, तब आप बताओ किसी को कि मैंने यहाँ पे ये वाली वीडियो डाल के और इतने पैसे कमाए हैं, ये चीज़ मैंने खरीदी है अपने हाथों से, अपने दम पे, तब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और वो सोचते रह जाएंगे, अरे वाह ये तो बड़ा मतलब इंटेलिजेंट बंदा निकला भाई, इसने तो ये काम कर लिया इस चीज़ से। लेकिन शुरुआत में मत बताना, जब तक आपका चैनल बिल्कुल भी मतलब आपकी कोई वीडियो वायरल ना हो जाए, या फिर आपका चैनल मतलब ग्रो ना हो जाए, तब तक तो बिल्कुल भी मत बताना। तो बातों बातों में वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो ज़्यादा बात ना करते, बस मैं मेन बात मेरी यही बताना चाह रही थी मैं, कि लिंक गलती से भी मत बताना और ना ही चैनल का नाम बताना किसी को, फैमिली रिलेटिव को तो बताना ही मत, सपने में ही मत बताना। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है शुरुआत में, बता के मुझे नहीं पता था उस चीज़ का। अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने क्यों किया ये, ऐसा क्यों किया मैंने ऐसा। जान पहचान वाले को तो किसी को भी नहीं पता होना चाहिए। पता है शादी ब्याह में जाते हैं, गीतों में जाते हैं, डांस करते हैं, कुछ कोई भी, अरे तू भी नाच रहे, रीना तू भी नाच, मैं तेरी वीडियो देखती हूँ, उसमें तो बहुत नाचती रहती है, फोन में तो बहुत नाचती है, यहाँ भी नाच के दिखा, ऐसे बोल देते हैं, ऐसे बेइज्जती कर देते हैं, बोलो फोन में नाचती है तो यहाँ भी नाच दे, ये बेइज्जती है, ये टोन टाइप तरह का, पता है आपको, ऐसे बोलते हैं लोग। क्या बताऊँ मैं आप लोगों मतलब लोगों की सोच का, अभी मुझे फिर से गीतों में ही जाना है, गीतों की बात बता रही हूँ आपको, तो यहाँ पे अभी अभी बोल के गई है, 3 बजे जाना है, तो 3 शायद बजने वाले हैं, तो यहीं पे बंद कर देती हूँ मैं इस वीडियो को, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और हाँ कमेंट जरूर बताना करना आप, कि मेरा वीडियो बनाना गलत है क्या, आप अपनी राय जरूर देना, क्या मैं गलत काम कर रही हूँ, बस यही बता देना, मैं गलत काम कर रही हूँ क्या, या फिर आपकी नज़र में ये अच्छा काम है, बस यही बता देना मुझे, ठीक है। तो जरूर बताना ये बात। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या आपके लिए अच्छा साबित हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करते जाना, ठीक है। तो बाय बाय, फिर मिलूंगी।